अगर आपके पास अपने बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड यानी कि एटीएम कार्ड है तो उसे यूज़ करके आप भी अमेजोन से कोई भी 2 लाख रुपए तक का प्रोडक्ट ईएमआई पे यानी कि इंस्टॉलमेंट पे खरीद सकते हैं। इसका पूरा प्रोसेस हम लोग इस वीडियो में लाइव देखेंगे। किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, चार्जेस कौन कौन से देने होंगे, ईएमआई का इंस्टॉलमेंट पे करने के लिए आपको कितने महीनों का समय मिलेगा, कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, एलिजिबिलिटी चेक कैसे करेंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आप एलिजिबल नहीं हैं तब भी आप प्रोडक्ट ईएमआई पे कैसे खरीद सकते हैं, यानी कि अमेजन डेबिट कार्ड ईएमआई के बारे में लगभग सारी बातें हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले आपके पास जिस बैंक अकाउंट का डेबिट कार्ड है वो बैंक अकाउंट एचडीएफसी, एक्सिस, एसबीआई, आईसीआईसीआई, फेडरल या फिर कोटक महिंद्रा बैंक का होना चाहिए, ऐसा अमेजन के वेबसाइट पे बताया हुआ है। लेकिन चेक करने पे पता चला कि आईडीएफसी और इंडसइंड बैंक के डेबिट कार्ड में भी ईएमआई की सुविधा दी जाती है, तो आपका डेबिट कार्ड इन्हीं बैंक में से किसी एक बैंक का होना चाहिए। तो अब बात आती है कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं, ये कैसे चेक करेंगे? ये चेक करने के मुख्यतः 3 तरीके हैं। पहला, एसएमएस के थ्रू, यानी कि अगर आपके पास एसबीआई का डेबिट कार्ड है तो डेबिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उससे 567676 पे कैपिटल में DCEMI लिख करके एसएमएस करना है। अगर एचडीएफसी का है तो 567672 पे माई एचडीएफसी लिख करके एसएमएस करना है। एक्सिस का है तो 5616160 पे DCEMI स्पेस और डेबिट कार्ड नंबर का लास्ट 4 डिजिट क्लिक करके एसएमएस करना है। इसी तरह से बाकी बैंकों का नंबर और क्या एसएमएस करना है ये दोनों स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है। तो एसएमएस करने पे सामने से जो रिवॉर्ड में आएगा उसमें आपको बताया जाएगा कि आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है या नहीं, और अगर है तो आपको कितने का लिमिट मिलेगा। वहीं अगर आप एलिजिबल नहीं है तब भी आपको प्रोडक्ट ईएमआई पे कैसे मिलेगा, ये हम लोग वीडियो में आगे जानेंगे। तो पहला, आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। दूसरा, आपके डेबिट कार्ड में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसी नंबर से आपको अमेजन अकाउंट बनाना है। अगर आपका अकाउंट उसी नंबर से है तो आपको अपना अमेजन अकाउंट लॉगिन करना है और वहां सर्च करना है डेबिट कार्ड ईएमआई अमेजन। पहले लिंक पे टैप करना है। इस पेज में डेबिट कार्ड ईएमआई की सारी इंफॉर्मेशन दी गई है, जिसमें कि अगर आपका किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होगा तो लिखा हुआ आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू आर एलिजिबल फॉर डेबिट कार्ड ईएमआई ऑन फॉलोइंग बैंक पार्टनर। और आपका जिस बैंक का भी डेबिट कार्ड एलिजिबल होगा वो बैंक बताया जाएगा। तीसरा, आप प्रोडक्ट खरीदते समय प्रोडक्ट पेज पे जब जाते हैं तो वहां पे आपको ईएमआई ऑप्शंस का एक ऑप्शन मिलता है। जब आप ईएमआई ऑप्शन में जाइएगा तो उसमें आपको डेबिट कार्ड ईएमआई का एक एक्स्ट्रा ऑप्शन मिलेगा, और जिस बैंक का डेबिट कार्ड आपका एलिजिबल होगा उस बैंक का नाम, ईएमआई प्लान, इंटरेस्ट रेट, टोटल कॉस्ट, ये सारी चीजें बताई हुई रहेगी। कई बार जब आप पेमेंट गेटवे में जाते हैं और आपका कोई डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होता है तो वहाँ ईएमआई वाले ऑप्शन में बताया जाता है कि आपका इस बैंक का कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है, फिर आप उस कार्ड को यूज करके कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। तो इन तरीकों से आप जान सकते हैं कि आपका कौन सा डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल है और उससे आप कितने तक का प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि हम लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे कैसे, तो चलिए मैं आपको एक प्रोडक्ट खरीद के दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको अपने अमेजोन अकाउंट में जाना है और प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेना है। प्रोडक्ट सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना है, अगर आपका कार्ड HDFC या IDFC का है तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम 3,000 का होना चाहिए। ICICI, फेडरल, एक्सिस, कोटक या फिर इंडसइंड का है तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम 5,000 का होना चाहिए। वहीं SBI का है तो आपका प्रोडक्ट मिनिमम 8,000 का या उससे ज्यादा का होना चाहिए। प्रोडक्ट सेलेक्ट करने के बाद ईएमआई वाले ऑप्शन में जा करके आप चेक कर लीजिए कि आप जो प्रोडक्ट खरीदने वाले हैं उसे अगर ईएमआई पे खरीदते हैं तो इंटरेस्ट कितने परसेंट का लगेगा, ईएमआई कितने महीनों के लिए मिलेगा, यानी कि सारा डिटेल आप ईएमआई ऑप्शंस में जाकर के चेक कर लीजिए। और फिर बाय नाउ पे टैप करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है और आ जाना है पेमेंट गेटवे में। यहाँ ईएमआई वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। तो अगर आपका डेबिट कार्ड ईएमआई के लिए एलिजिबल होगा और वो पहले से ही इस अकाउंट में ऐड होगा तो वहां पे ऑटोमेटिक आपका डेबिट कार्ड दिखने लगेगा। अगर ऐड नहीं है तो ऐड ए न्यू कार्ड को सेलेक्ट करना है और कार्ड डिटेल्स फिल करके इंटर डिटेल्स पे टैप करना है, आपका डेबिट कार्ड ऐड हो जाएगा। फिर नीचे सेलेक्ट ईएमआई टेन्योर पे टैप करके ईएमआई प्लान चूज कर लेना है और सीवीवी फिल करके कंटिन्यू करना है। प्लेस योर ऑर्डर एंड पे पे टैप करना है।
तब यहाँ पे आप आ जाइएगा पेमेंट गेटवे में। यहाँ पे कुछ बैंक्स में क्या होता है कि डायरेक्ट क्रेडिट कार्ड की तरह रजिस्टर्ड नंबर पे ओटीपी जाएगा और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बैंक्स क्या करते हैं कि आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो डेबिट कार्ड में रजिस्टर्ड है और जो अमेज़न में रजिस्टर्ड है दोनों सेम अगर होगा तो वो नंबर आपको फिल करने को बोलेगा और फिर उस नंबर पे एक ओटीपी आएगा और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपने डेबिट कार्ड को यूज करके अमेज़न से कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे खरीद सकते हैं। अब बात आती है कि प्रोडक्ट को खरीद लिए लेकिन पैसे कब कटेंगे। दोस्तों अगर आपके पास HDFC के अलावा कोई कार्ड है और उसे यूज करके अगर आप ईएमआई पे कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो प्रोडक्ट खरीदते समय आपको पैसे देने की जरूरत नहीं होती है, यानी कि आपके अकाउंट में पैसे नहीं भी होंगे तो ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। कुछ कुछ बैंक्स में 1 से 2 रुपए वेरिफिकेशन के लिए कटते हैं तो इसका आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आपके पास HDFC बैंक का डेबिट कार्ड है और उससे आप ईएमआई पे कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं तो आपके अकाउंट में जितने का भी प्रोडक्ट आप ऑर्डर कर रहे हैं वो टोटल अमाउंट होना चाहिए, क्योंकि ऑर्डर करते समय आपका टोटल अमाउंट उससे डिडक्ट होगा और 3 से 4 दिनों के अंदर वो टोटल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे डाउन पेमेंट 0 रुपए का लगता है, क्योंकि HDFC से जो पैसे कटते हैं वो भी 3 से 4 दिनों के अंदर वापस आ जाते हैं। तो वो भी आप कहीं से जुगाड़ करके ऑर्डर कर सकते हैं और फिर आप वो पैसे वापस आने के बाद जिनसे लिए हैं उन्हें आप वापस कर सकते हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्डर करते समय पैसे कटे नहीं, HDFC में कटे तो वो भी 4 दिनों के अंदर वापस आ गए, तो पैसे कटेंगे कब, EMI कब और कैसे पे होगा। दोस्तों ये बैंक के अकॉर्डिंग अलग अलग डेट को कटेगा। जैसे अगर आप HDFC का डेबिट कार्ड यूज करते हैं और 1 तारीख से लेकर के 19 तारीख के बीच में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो आपका फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अगले महीने के 5 तारीख को कटेगा। वहीं अगर आप 19 तारीख से लेकर के महीने के लास्ट तक ऑर्डर करते हैं तो अगले महीने यानी कि 20 जनवरी से लेकर के अगर आप 31 जनवरी तक ऑर्डर करते हैं तो मार्च 5 को आपका पहला इंस्टॉलमेंट कटेगा। वहीं ICICI का अगर यूज करते हैं और 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में अगर आप ऑर्डर करते हैं तो अगले महीने के 3 तारीख से 7 तारीख के बीच में आपका पहला इंस्टॉलमेंट पे होगा। और अगर आप 16 तारीख से लेकर के महीने के लास्ट तक ऑर्डर करते हैं तो अगले महीने 3 तारीख से लेकर के 7 तारीख के बीच में आपका पहला इंस्टॉलमेंट कटेगा। बात अगर एक्सिस बैंक की करें तो जिस दिन आप ऑर्डर करते हैं उस दिन से 30 दिन बाद आपका पहला इंस्टॉलमेंट कटेगा। इसी तरह से बाकी बैंकों का भी डेट शेड्यूल स्क्रीन से दिखाया जा रहा होगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है जिस दिन आपका पहला इंस्टॉलमेंट कटता है हर एक महीने उसी डेट को आपके डेबिट कार्ड से जो अकाउंट लिंक्ड है उससे ऑटोमेटिक ये पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। जब आप सारा ईएमआई यानी कि सारा इंस्टॉलमेंट पे हो जाएगा तो ऑटोमेटिक फिर आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट होने बंद हो जाएंगे और आपका पेमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह से आप कोई भी प्रोडक्ट ईएमआई पे ऑर्डर कर सकते हैं और फिर उसका इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हैं। अब बात आती है चार्जेस की। सबसे पहले यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फी देना होता है जो कि SBI में 0 रुपए यानी कि नहीं देना होता है, ICICI में 99 रुपए, कोटक, HDFC, IDFC, फेडरल और इंडसइंड बैंक में 199 रुपए और एक्सिस बैंक में 1% का लगता है। दूसरा है फोर्स क्लोजर चार्ज, यानी कि जैसे कि आप 36 महीनों के लिए कोई प्रोडक्ट EMI पे खरीदते हैं और उसे आप 3 महीने के बाद 4थे महीने 5वें महीने किसी महीने आप बाकी टोटल अमाउंट पे करके उस EMI वाले पेमेंट को कंप्लीट करना चाहते हैं तो वैसे में आपको आपके बचे हुए अमाउंट पे फोर्स क्लोजर चार्ज लगाया जाता है जो कि IDFC में 5%, कोटक में 4%, SBI, इंडसइंड और HDFC में 3%, ICICI में 2% और एक्सिस बैंक में 0% यानी कि नहीं लगता है। तीसरा है लेट पेमेंट चार्जेज। इसी तरह के कुछ और चार्जेज लगते हैं जिसका कि लिस्ट वीडियो के कमेंट सेक्शन के टॉप कमेंट में दिया गया है। वहां इसलिए दिया गया है ताकि टाइम टू टाइम अपडेट किया जा सके और आप तक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। अब बात आती है कि जो लोग एलिजिबल नहीं है उनका क्या। दोस्तों यहाँ पे एलिजिबिलिटी में 3 चीजें चेक की जाती है, पहला आपका सिविल स्कोर, दूसरा आपका बैंक अकाउंट कितने दिनों से है और आपके बैंक अकाउंट का ट्रांजेक्शन। तो अगर आप इन तीनों को मेंटेन कर लेते हैं तब आप बहुत ही आसानी से डेबिट कार्ड EMI के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। इसका एक बहुत ही आसान तरीका है, अगर आप जानना चाहते हैं और आप एलिजिबल नहीं हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वहां आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा। साथ में अगर आपके पास इस टॉपिक से रिलेटेड अब भी कोई सवाल है या इसी तरह का कोई टॉपिक है जिसपे कि आप वीडियो चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, वहां आपके सभी सवालों के जवाब तुरंत दिए जाएंगे। और अगर आप कोई टॉपिक भेजते हैं
तो आपके टॉपिक पे भी अपकमिंग वीडियो में वीडियो जरूर आएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।